एसएचआओ डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 फीट बाई 30 फीट में प्लान बना हुआ है जो कि 300 स्क्वायर फीट में होगा। 30 गज में प्लान बना हुआ है। साउथ डिजाइन से आप पौने 300 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा करें लेकिन बट बहुत ही अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के वेंटिलेशन डायमेंशन, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए इजीली आइडिया ले सकते हैं। प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 30 फीट की होगी, जो कि फसल को इजीली आप चाहें तो रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने सेपरेट रखा है। इस साइड अपने आप प्लांटेशन वगैरह कर पाएंगे, नेम प्लेट वगैरह लगा पाएंगे वॉल वगैरह पे। इस साइड ये इसका मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने टू साइड आयरन का गेट लगाया। काफ़ी आपको गेट मिलने वाला है 5 फीट का, हमने गेट लगाया है। इसी गेट से एंट्र होती काफी आपको ये पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक वगैरह इजली पार कर पाएंगे। इस साइड अपने सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इजली बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। अब टीकीसी की पार्किंग एरिया में आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिया है। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 8.5 फीट की होगी, जो कि फर्स्ट को इजिली चाहे तो आप रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर्स दिया है। अब टीकीसी के सामने आपको स्टेयर्स के सामने एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्र होती का फ्लोर आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 8.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब चूल्हे और कैबिनेट्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, अपने सिंक वगैरह फ्रिज वगैरह जिसमें इजली अपना सामान वगैरह स्टोर कर पाएंगे। अब साइड्स का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। किचन का रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी, इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहें तो इजिली एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। ठीक इसी के अराउंड ये आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे एंट्रेंस गेट होगा। इसमें हमने 3.5 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको ये डाइनिंग कम लिविंग एरिया मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को बिठा कर खाना वगैरह सर्व कर पाएंगे। ये काफ़ी आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा। अब साइड से इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया ओटीएस द्वारा, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी डाइनिंग एरिया में आती रहेगी। एक विंडो हमने सामने की तरफ से भी प्रोवाइड किया, जिसमें इसका आप प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। अब एक डाइनिंग एरिया में आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारी 2.25 फीट का गेट मिलने वाला है। टॉयलेट कंबाइन बाथरूम का हमने गेट दिया है। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 7 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके शावर्स, टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजली अपने आप चाहे तो 7.5 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसके में इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। आप चाहे तो ओटीएस द्वारा ये विंडो प्रोवाइड करा पाएंगे, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी टॉयलेट कंबाइन बाथरूम में आती रहेगी, जो कि इस पर एक ओपन जार डालने वाला है। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 2.5 फीट की इसकी लंबाई होगी, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। अब ठीक है, आपको डाइनिंग एरिया में आपको सामने में एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट लगा दिया है। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको ये बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड, टीवी यूनिट, पैनल वगैरह इजली एडजस्ट करवा पाएंगे। इसमें इजली अपने गेस्ट वगैरह को बिठा कर इजली टीवी वगैरह देखा पाएंगे। इस साइड से देखें तो हमने ये ओटीएस द्वारा विंडो लगाया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी बेडरूम में आती रहेगी। सामने में हमने अलमीरा वगैरह भी लगाया, जिसमें इजली अपने क्लॉथ्स वगैरह रख पाएंगे, अपना सामान वगैरह स्टोर करवा पाएंगे। सामने में हमने देखा तो वुडन टाइल वगैरह का यूज़ किया, जिसके द्वारा आप इजली हम कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ करवा पाएंगे। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 3.5 लाख बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।